चुनाव में जीतने के लिए प्रत्याशी अक्सर अलग अलग हथकंडे अपनाते नजर आते हैं, जनता को लुभाने के लिए अनोखे अंदाज में वोट अपील करते हैं। ऐसा ही एक अनोखा मामला कर्नाटक से सामने आया। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के एक विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें विधायक सत्ता के नशे में चूर होकर ग्रामीणों को कथित धमकी दे रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी का उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से नहीं जीतता तो वो इलाके की बिजली कटवा देंगे। बेलगावी जिले के कागवाड़ से विधायक राजीव कागे ने ये बातें तब कही जब वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। कन्नड़ में दिया गया उनके भाषण का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। वीडियो में कथित तौर पर विधायक को ये कहते हुए देखा जा सकता है कि मुझे कुछ जगहों पर कम वोट मिले, शाहपुर के बारे में भूल जाइए, मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन अगर हमें इस क्षेत्र में ज्यादा वोट नहीं मिले तो हम आपकी बिजली काट देंगे, इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, याद रखिए मैंने जो कहा है उस पर कायम रहूंगा। आपको बता दें कि कागवाड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चिकोड़ी लोकसभा सीट के तहत आता है, जहां 26 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। राज्य के 28 सीटों में से आधी सीटों पर उस दिन मतदान हुआ था और बाकी बची सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। ये साफ नहीं हो सका कि कागे का ये वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था। कांग्रेस विधायक के कथित भाषण पर भाजपा हमलावर हो गई। भाजपा नेता ने आरोप लगाते हुए दावा किया कि कांग्रेस पार्टी सोचती है कि आम आदमी उसके गुलाम है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, पार्टी मोहब्बत की दुकान की बात करती है लेकिन क्लिप में धमकी के भाईजान को देखा जा सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डीके शिव कुमार द्वारा हाउसिंग सोसाइटी के मतदाताओं को अपने भाई के लिए वोट देने की धमकी देने के बाद अब कांग्रेस विधायक राजू कागे ने कहा कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो बिजली काट दी जाएगी। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान की बात करती है लेकिन ये धमकी के भाईजान है। चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।